बना लिए गाने। तो थाईलैंड में मतलब मजा आया, मसाज भी कराई। मसाज में लोगों को लगता है कि बहुत भ्रांतियां होती है ना, हर टाइप का होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। रह रहे हो अच्छा। और आप मतलब मैं इसमें बेड में हूँ, मेरे यहाँ एक यूरोपियन की लड़की, यहाँ यूरोप की एक लड़की है, कहती यू वांट बूम 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 बोलते। तो मैंने कहा ऐसी मजे लेने, मैंने कहा हाउ मच। सिंधु की जो बाउंड्री है ना, सिंध अफगानिस्तान पाकिस्तान होके इधर के जो लोग हैं उनको बोलते थे सिंधु घाटी के लोग, सिंधु लोग हैं। धर्म सनातन का मतलब हो गया जो सबका है। धर्म क्या होता है, हमारे नहीं बोलते मेरा धर्म था उसे बचाना, मेरा धर्म था सच कहना। अरे मैंने कहा कुत्ते को कुत्ता ही तो पहले एक्सेप्ट करो, तुम खुद उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो कि वो कुत्ता नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जो हमारे लोगों ने अपने कुत्तों का नाम अंग्रेजों का नाम पे रखने लग गया कि साले ये रॉबर्ट, ये टॉमी, ये जिमी, डकैत जैसा बिगी, मॉब लाइक अ पार्क, त्राटक लाइक अ नास, किंग इन न्यूयॉर्क। तो हम उनका गैंग साइन क्यों करें? अच्छी बात भी नहीं। मैं जो साइन करता हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं करता हूँ योगिक साइन। करो ना गैंग साइन में बैठा योग मुद्रा में, काफी फर्क मित्र शिव और रुद्रा में। पहले था बैड बॉय, अब शायद सुद्रा में। जो अलंकार यूज करते सब यहाँ पहले के, हजारों साल पहले के। रैप करने की टेक्निक्स, विधाएं। जब मुझे नेगी जी ने एक बार कहा था, जब मैं गुजरा था, अभी तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम्हारे हर बॉडी के एक कण पे टूट रहे और बन रहे। साइंस का वो है ना, हमारी हर वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि वो अगर एक आकार में आ गई ना तो वो लिमिटेड, उसकी एक लिमिटेड पावर होगी। वो लिमिटेड नहीं है, पर वो एक इंसान के फॉर्म वाला बंदा ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रियंका से और रोहन से। प्रियंका को जानने लोगों के बारे में मन में काफी कुछ धारणा है प्रियंका को लेकर, जितना मुझे लगता है कि प्रियंका ऐसी है, कोई कहता वैसी है, कोई कहता सही है, कोई कहता ऐसी है। और हम लोग गए चौन सार, हम भटकते रह गए। हम पे दिन के 3 बजे तक लोकेशन ही नहीं है, सुबह अच्छा? के निकले हुए थाईलैंड गए थे, आप गाना शूट करने गए थे थाईलैंड। हाँ, वहाँ आपने मसाज भी कराई। मसाज कराई थाई मसाज के, थाई पे मसाज होती है कि थाईलैंड वाले मसाज करते हैं उसको? थाई मसाज नहीं, देखो क्या है कि मसाज का, आपकी थाई अच्छी लग रही है आज। नीचे करनी पड़ेगी यार। थाईलैंड का कैसे गए थे आप? जो मेरे साथ था लड़का रोमी, अच्छा रोमी कालो, रोमी कालो, वो वीडियो वगैरह बनाता है, उसका घूमने का शौक। अच्छा। उसने मुझे बोला चल रहे, और हमें आर्टिस्ट, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता फालतू का। अब तो ऐसा हो गया जीवन का लक्ष्य की ना, कहीं भी जा रहे कुछ काम हो जाए। घूम लो कहते घूमने जा रहे हो, अरे मैं सोचता हूँ कुछ काम है वहाँ पे तो हो जाए, शूट की लोकेशन दिख जाए, शूट होते तो घूम लेंगे। मतलब अपना ये होता है कुछ काम हो जाए, क्योंकि अब लाइफ इतनी डेडिकेटेड होगी इस चीज के प्रति। मैंने कहा बाहर जा रहे भाई शूट करेगा तब चलूंगा। उसने कहा हाँ चल। तो मैं 2-3 गाने रेडी कर दिए। अच्छा। अभिजय, तब अभिजय शर्मा जो अभी चल रहा है काफी, हाँ, लड़का बहुत भयंकर चल रहा है। हाँ, तो तब अभिजय का मतलब आई थिंक प्रॉब्ली पहला म्यूजिक, पहला उसने बीट बनाई थी, मेले बनाई थी। अच्छा। उससे पहले मुझे नहीं पता उसने किया था नहीं किया था शायद, लेकिन तब इंट्रोड्यूस ही हो रहा था वो। तो मैंने कहा चल बीट बना, मैं करता हूँ तेरे साथ। और हमने कुछ गाने बनाए और मैं थाईलैंड ले गया। अच्छा। 2-3 घूमते फिरते हमने शूट वूट किया वहाँ पे। तो इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि एक ही को अच्छे से करो, बस ये था करो करो ना। बना लिए गाने। तो थाईलैंड में मतलब मजा आया, मसाज भी कराई। मसाज में लोगों को लगता है कि बहुत भ्रांतियां होती है ना, हर टाइप का होता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम चले गए नॉर्मल दुकान में ना, मैंने करने दो भाई। लेकिन भाई वहाँ अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ जो लेडी आई मसाज करने, लोगों के मन में ऐसे क्या क्या होता है ना, वो लेडी आई, उसने ऐसा देखा और काम करने से पहले उसने ऐसे अपने भगवान को याद किया, जैसे कर्म पूजा नहीं होती हमारे लिए, और इतनी डेडिकेशन से वो मसाज कर रही कि उसको देखे तो मातृत्व वाला फीलिंग आ रहा है, जैसे माँ कर रही होगी। अच्छा। मैंने कहा कौन लोग हैं जो गलत बात करते हैं इनके लिए यार। वो बेचारे इतनी डेडिकेटेड अपने काम के लिए ऐसे पूरा कर रही। अच्छा। फिर की सर यू फीलिंग, और ना बिल्कुल ये तो बिल्कुल लाइक मुझे कुछ गलत फीलिंग नहीं आई। थोड़ा थोड़ा मतलब 50% इंडिया जैसा ही फील आता है कि वहाँ। अगर आप बैंकॉक में हो तो इंडिया ही है, गाड़ी ऐसे दिखती है सेंट्रल। अच्छा। सेंट्रल चलते हुए इंडिगो इंडिगो लोग भी वैसे दिखते हैं, बस वही थोड़ा चिंकी पिंकी लोग दिखते हैं, थोड़ा मिक्स रहते हैं। हाँ, मिक्स रहते हैं। बाकी जब आप पटाया फीफी और ये सब चल जाओ तो थोड़ा यूरोपियन कल्चर ये लोग दिखते हैं ज्यादा। बैंकॉक में तो मोस्टली थाईलैंड मतलब कम बजट में हो सकता है आराम से, वही एक अकेली कंट्री मुझे लगता है। हाँ। जो जहाँ बोलते हैं कि कई बार इंडिया से भी चीप मिल जाता है सामान। मिल जाता है, सही। हाँ। है सस्ते में जाता है काम, फ्लाइट भी सस्ती है। हाँ। रहना हॉस्टल में, अगर आप लौंडे लपाड़े जा रहे हो। हाँ। होटल लेने की जरूरत नहीं, हॉस्टल डॉर्मेटरीज होती है जो। हाँ।
700-600 रुपए में आप रह रहे हो। अच्छा। और आप मतलब मैं इसमें बेड में हूँ, मेरे यहाँ एक यूरोपियन की लड़की, यहाँ यूरोप की एक लड़की है, यहाँ एक अफ्रीका का लौंडा है, नीचे अमेरिका की लड़की है, तो आप पाकिस्तानी है, मतलब ऑटोमेटिकली आप फ्रेंड्स बन गए। फिर आप पूरे ग्रुप पार्टी करने जा रहे हो, ऐसा क्या, ये हमारी टीम की वो है, वहाँ पे गेम्स चल रहे हैं, वहाँ पे वो गेम चल रहा है, मॉडल डालते नहीं ग्लास में, फिर बॉल डालते हैं, कौन जीतेगा, वहाँ चल रही, वहाँ अमरीका वाले, और मैं बोला चलो मैं करता हूँ, मैं जीत गया उसमें। अच्छा। और लोग कह रहे हैं जीत गया भाई, ये जीत गया, इंडियन जीत गया भाई, वहाँ पाकिस्तान की लड़कियाँ आ रखी बढ़िया। हाँ। जो अमरीका, वो जो लंदन में शिफ्ट रहती है और है पाकिस्तानी। अच्छा, अच्छा। टीचर उससे मेरी बढ़िया दोस्ती आ रही होगी। आप गांधी जिन्ना को गाली नहीं दे रहे थे, पार्टी सर क्यों करवा दिया भाई? नहीं नहीं मैं बिल्कुल पार्टी का बढ़िया मजा आ रहे थे वहाँ, हमने क्लब में डांस वांस किया बढ़िया। नो पार्टी सर, नो पार्टी। दो दिन था ना मेरे साथ एक बहुत गंदा सीन ये हुआ कि मैं सोच रहा हूँ, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ ना, मैं भी यूरोप, तो मैं भी फील ले रहा हूँ मैं विदेशी हूँ। अच्छा। मैं लोकल, मैं देख रहा हूँ विदेशी है, फिर मैं देख रहा हूँ लोकल लोग ना अंग्रेजों के साथ बड़ा वो कर रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देखा था, मुझे रियलाइज हुआ कि जब मुझे कि तुम तो थाईलैंड के हो ना, तुम तो लोकल ही बोल रहे हो, इसलिए उनके साथ घूम रहे हो। अच्छा। ओ, मैंने कहा भाई लोकल गाइड सूरत त्राटक क्या काम करते होगे? अबे यार शादी दौरान पूछ लेंगे कि थाईलैंड में गाइड भी हो। मैंने कहा यार ये तो एक लड़की मिली थाईलैंड की। हाँ। उसने रेंट पे ले रखा था रूम, वो कस्टमर ढूंढ रही थी, वो मसाज वाली थी। अच्छा, अच्छा। वो कस्टमर ढूंढ रही थी तो उसने रूम भी ले लिया ताकि यहाँ विदेशियों को मिलूंगी, कॉन्टेक्ट बनाऊंगी, फिर होटल में ले जाऊंगी। हाँ वो धंधा उनका तो। अच्छा। बोली मेरी, कहती यू वांट बूम 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 बोल। तो मैंने कहा ऐसी मजे ले, मैंने कहा हाउ मच, कहती 500। क्या चलता है वहाँ पे, मैं भूल गया, भूल गया जो भी चलता होगा, रुपए मान लेते हैं। हाँ 500। और मैं बकाया था, हमने बकाया था, मैंने कहा वी आर टू, कह रही नो टू नो टू ओनली वन, मैंने नो नो वी आर टू, 500 टू, कह रही नो नो, कह रही ओनली देन 300 फॉर मसाज, 500 फॉर बूम बूम। व्हाट इज बूम बूम? बूम 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 मतलब सेक्स। अच्छा ठीक है। फिर मुझे लगा कि फिर, खाली नहीं नहीं नहीं, नहीं बूम मतलब सेक्स। अच्छा। और मसाज। फिर मैं रोमी को बोल रहा, फिर रोमी कह, मैं कह रहा है बहनचोद बकियाती मत कर, मैं मस्ती कर रहा था। कह रही बहनचोद यू अब्यूज। मैंने कहा नो नो, कि नो आई नो वन पाकिस्तानी, ही इज सेइंग बहनचोद अब्यूज। मैंने कहा चलो कुछ हिंदी भाषा का कुछ तो वायर कुछ ना कुछ हो रहा है, अवेयरनेस हो रही है, हर किसी को पता है। तो अमेरिका ये तो दो तीन चीजें होती है ना, जैसे जैसे इंग्लिश में एफ वर्ड होता है, रशियन में ब्लेट होता है, तो ये इंडिया में ये सब, इंडिया का ये शब्द जैसे जंगल वर्ड है, जंगल वर्ड पूरी दुनिया में फॉरेस्ट, जब सब जंगल को पता है लोगों को जंगल का मतलब क्या होता है, जैसे गांजा को लोगों को पता है, हिंदी वर्ड है गांजा, लेकिन सबको पता है इंग्लिश में भी गांजा किसको बोलते हैं, अरेबिक वर्ड है बाजार, बाजार बाजार भी अरेबिक, हमारे हिंदू जो हम हिंदू बोलते हैं हमें, ये खुद पर्शियन वर्ड है, हिंदू जो हम बन गए हिंदू कहते हैं, हिंदू इज अ पर्शियन वर्ड, सिंधु एक्चुअली हम सिंधु नदी के इधर वाले लोग हैं ना, तो ये सारे हिंदू हैं। मैंने किसी का वो पढ़ा था कि हिंदू तो वो वैसा थोड़ा डेरोगेटरी टर्म भी है, जैसे कि गंदे लोगों को बोलते, सिंधु के उस पार रहने वालों को, तो नहीं बोलेंगे मतलब उन्होंने वो, देखो गंदे नहीं है, मैं एक फॉरेनर टाइप का, एक्चुअली क्या है कि पर्शियन थे ना, जैसे फिरंगी शब्द है, तो फिरंग एक बीमारी थी, सिफिलिस कौन सी बीमारी जो नेहरू को भी थी, अच्छा, तो उस नाम से बड़ा है फिरंगी, पता है, और जो काले लोगों बोलते हैं हफ्सी, तो उस वजह से बड़ा, तो वैसी मतलब डेरोगेटरी टर्म है, लेकिन यार मेरे हिंदू जो मैं जानता हूँ बाहर वालों ने दिया, हिंदू क्या है कि ना ये पर्शियन लोग थे ना, वो हाँ नहीं बोल पाते ढंग से, तो वो सिंधु था, सिंधु की जो बाउंड्री है ना, सिंध अफगानिस्तान पाकिस्तान होके इधर के जो लोग हैं उनको बोलते थे सिंधु घाटी के लोग, सिंधु लोग हैं, सिंधु बोलते थे ना, तो हम सारे लोग सिंधु थे, इसके उधर ये उधर के लोकेशन वाइज ज्योग्राफिकल वाइज। अब जो पर्शियन जो फिलोसोफर जो लोग आए उन्होंने बोला सिंधु, सा नहीं बोल पाए हिंदू, वहां से हमारे लोगों ने उसको वर्ड को अपनाया कि हम हिंदू लोग हैं, हिंदू जो यहाँ मुस्लिम भी रह रहे वो भी हिंदू है, क्योंकि वो इस एरिया के लोग हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, कॉन्ट्रोवर्शियल मत लेना इसे, हिंदू एक संप्रदाय के तौर पे आ गया है, पहले तो धर्म तो सनातन है, और उसमें भी नहीं, जैसे हिंदू धर्म सनातन का मतलब हो गया जो सबका है, धर्म क्या होता है, हमारे नहीं बोलते मेरा धर्म था उसे बचाना, मेरा धर्म था सच कहना, मेरा धर्म था गलत ना करना, धर्म तो ये होता है ड्यूटी, ये धर्म इसे बोलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो संप्रदाय है, इन्हें संप्रदाय बोलेंगे, तो हिंदू तो धर्म है, तो सनातन एक धर्म है, सनातन मतलब हम सबके हैं, सब हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम,
पूरी धरती मेरी परिवार है, अतिथि देव भव सनातन धर्म। बाद में जब ईसाई इन्फ्लुएंस बढ़ गया, मुस्लिम लोग कन्वर्ट करने लग गए, हमारे लोगों को करना पड़ा कि हम भी कुछ हैं। सनातन कुछ नाम नहीं, सनातन तो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है, इसलिए हमको भी नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ी थी पहले लोगों को, कभी जरूरत नहीं, क्योंकि हम ही थे ना, और हमें तो सब एक जैसे लगते थे, सब अपने लगते थे। लेकिन जब कुछ लोग ऐसे आए कि हम हैं, हमारा कल्चर कुछ है, तब हमारे लोगों को भी लगा कि यार ऐसे में तो हम बेनाम रह जाएंगे, तब हिंदू वर्ड डाला गया। पर लेकिन बोलते भैया कि जैसे हम बोलते हैं कि बिहारी, आई थिंक अब वो मुझे लगता है कि बिहार से, अब क्या हो सकता है वो अंग्रेज, हो सकता है वो अंग्रेज और मुगलों ने वो चीज डाली हमारे दिमाग में ना कि तुम बेकार हो, हिंदू हो। हालांकि अगर हमसे प्राउडली बोले तो हम उसे अच्छे भी बोल सकते हैं, जैसे कुत्ते को देख के बोलते हैं। मैं काफी लोगों के साथ मेरी बहस होती है, लोग कहते हैं मैंने तो ये कुत्ता, ये कुत्ता मत बोल उसका नाम है। अरे मैंने कहा कुत्ते को कुत्ता ही तो पहले एक्सेप्ट करो, तुम खुद उसकी डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो कि वो कुत्ता नहीं है। अरे क्यों नहीं है कुत्ता, आप उसको बोलो ये मेरा कुत्ता है, कुत्ते को आप नीचा ही क्यों समझ रहे हो, वो तो उसकी प्रजाति, में बोलो मैं इंसान हूँ। ये भी तो उसको डॉगी बोलेंगे चल जाएगा, ये भी अलग ही मुद्दा है, इंग्लिश हिंदी वाला भी अलग है। लेकिन मैं एक गहरी बात ये कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि कुत्ता मत बोलो जी, क्यों मत बोलो कि कुत्ता बोल के बेइज्जती होती है, स्वान स्वान बोले उसे। अरे कुत्ता आप एक्सेप्ट करो, वो कुत्ता है भाई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुत्ता है कुत्ता है, नाम आप बाद में रख सकते हो कि जी कुत्ते का नाम कुछ भी हो सकता है, कुत्ते का नाम डोनाल्ड ट्रम्प रख लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कुत्ता है पहले उसको वो रिस्पेक्ट करो, आपका तो कुत्ता ही मत बोलो, तो आप उसका कुत्ता होना एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप रियल से दूर भाग रहे हो ना, तो आप एक्चुअली प्रॉब्लम में हो। तो वही वाली बात है कि किसी ने आपको हिंदू को हिंदू बोला तो डिसरिस्पेक्ट लगी उस टाइम जब लोगों ने बोला होगा, मुझे लगता नहीं ऐसा। जैसे कुत्तों का नाम लोग ये भी एक मजेदार थ्योरी है, अब सच है कि नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि इंडिया में जो कुत्तों का नाम इंग्लिश नाम रखने का जो ट्रेंड बना है ना, ये मुझे जो पर्सनल लगता है वो ये है कि जब भारत आजाद हुआ ना तो लोगों के मन में बड़ी गुस्सा था अंग्रेजों के लिए, तो उन्होंने बोला साला कुत्ते को नीचा समझते थे लोग, उन्होंने बोला हम कुत्तों का नाम रखेंगे अंग्रेज, क्योंकि पहले बोलते डॉग्स आर इंडियंस नॉट अलाउड, अंग्रेज ऐसे करते थे। तो उन्होंने क्या करा, जो हमारे लोगों ने अपने कुत्तों का नाम अंग्रेजों का नाम पे रखने लग गए कि साले ये रॉबर्ट, ये टॉमी, ये जिमी, और वो अब ट्रेंड बन गया। इसलिए मैंने अपने कुत्ते का नाम चैतू रखा है, अपना पहाड़ी नाम, मेरे कुत्ते का नाम चैतू है, चैतू चैत के महीने में, तो मेरे कुत्ते का नाम है चैतू, चैत सिंह रावत। इंस्टाग्राम में आईडी बनाई है उसकी, इतना अरे बनाओ ना, क्या कौन सा आपका, मैंने देखा नहीं, पहाड़ी है बोटिया अपना, अच्छा बोटिया है, तभी तो पहाड़ी है यार, देख ले जब से सो कह रहा हूँ। हाँ हाँ डॉग माय डॉग, अच्छे टी शर्ट अच्छी लग रही है, वेस्ट कोस्ट वाली मैंने अपनी। हाँ वेस्ट कोस्ट, या ऐसे बनाते वेस्ट कोस्ट साइन ये होता है ऐसे, तो कुछ बहुत सारे कुछ चीजें करता है वेस्ट वालों का, मैं तो ये सब नहीं करता। वेस्ट कोस्ट का फेवरेट कौन सा आपका? अभी तो केंड्रिक है। अच्छा पाक भी बहुत, पाक तो ऑब्वियसली था ही, रेस्ट इन पीस केंड्रिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गेम भी अच्छा है, आइस क्यूब, आइस क्यूब हाँ, मैं मुझे नास अच्छा लगता है, मुझे जेजी अच्छा लगता है, मुझे सही है, मतलब बढ़िया, जेजी मेरे को फ्लो बहुत अच्छा लगता है, जेजी का फ्लो के मामले तो खैर हमारे बिगी, बिगी वो तो बहुत भयंकर ही फ्लो करते थे, बिगी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी थी, स्टोरी टेलिंग, अब मेरे को तो फ्लो लगता है उनका बहुत भयंकर, इधर से ले आ लेते, पता नहीं चलता कब से काम हो गया। जो लोग कहते हैं पाक और बिगी में कंपैरिजन करो, तो मुझे लगता है कि पाक इन्फ्लुएंसियल था, जो बात करता था ना इतना तगड़े ढंग से करता था, ग्रेट पोएट, पोएट, लेकिन बिगी की स्किल सेट बहुत तगड़ा था, स्किल बहुत अच्छी थी, पाक का वही वाला जो अभी डिवाइन का है, मतलब क्या बात बोलती, मतलब वैसे कंपेयर करना, मैं अगर डकैत और मॉब बोलूं यहाँ पे ना, मैं उनको बोलता, मैंने गाने में बोला था डकैत जैसा बिगी, मॉब लाइक अ पाक, त्राटक लाइक अ नास, किंग इन दून यॉर्क। तो वेस्ट कोस्ट, ये साइन वगैरह, साइन वगैरह से क्या है यार, देखो मैं पीटा है उन घर जाएगा तेरा क्या है यार, देखो मैं तो ये सब नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उनके कल्चर का नहीं हूँ ना, यहाँ वो गैंग चलती है जो पायरू गैंग, रेड क्रेप्स, अलाना जो भी है, उन सबके अपने साइन होते हैं, उनके अपने अपने कलर के बंडे हैं यार, जब हमारा वो कल्चर ही नहीं है, जब यहाँ पे वो ब्लड एंड क्रिप्स, वो क्रिप्स यहाँ पे है ही नहीं, ब्लड सही नहीं, अच्छी बात है नहीं है, तो हम उनका गैंग साइन क्यों करें, अच्छी बात भी नहीं। मैं जो साइन करता हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा, मैं करता हूँ योगिक साइन, योगिक मुद्राएं बोलते हैं उन्हें, एक्चुअली मुझे लगता है कि उन सब की जो मुद्राएं वो यहीं की है, हर चीज यहीं से इन्फ्लुएंस है। अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि उन्होंने यहाँ से उठा लिया, लेकिन हमारे यहाँ हजारों सालों का इतिहास है, जो साइन वो करते हैं वो ऑलरेडी उनके नाम है, पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है, अच्छा ये ध्यान मुद्रा है, ये है, ये जो हमारी उंगली अनामिका, इसका नाम अनामिका है, मध्यमा, कनिष्ठा, मध्यमा, अनामिका, नहीं कनिष्ठा ये है, कनिष्ठा सब छोटी कनिष्ठा ये है, इसका नाम है
भूल गया, ये अंगूठा है। तो ये जो हमारी अनामिका है, अनामिका का जब आप अनामिका के ध्यान प्रोसेस में ना, ये ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अच्छा, उंगली ब्रह्मांड से जुड़ी हुई, मतलब कैसे? मतलब हमारी पूरी बॉडी ब्रह्मांड से, हम जब ध्यान करते हैं आपको क्या दिखता है, पूरा गैलेक्सीज नहीं दिखती है, बहुत पूरा ऐसा दिखाने ट्राई करूंगा कभी दिख। तो ये जो है ना, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप इस लेवल पे चल जाते हो ना। आप यहीं से जो भगवान को अगर आप सगुण में देखो, सगुण मतलब एक उनको एज अ इंसान देखो, तो ये समझ लो कि वो जब मैनेज कर रहे पूरी दुनिया ना, तो वो ब्रह्मांड को इस उंगली पे मैनेज करते हैं। अच्छा, तो ये भी एक योग मुद्रा है। यहाँ से बहुत चीजें आप कंट्रोल में आती हैं, आपको समझना पड़ता है चीजें। तो ये सारे मुद्राएं हैं, योग मुद्राएं, ये करता हूँ, ये है, ये है। तो इन सब का मीनिंग है, ये ध्यान के लिए है, इन बहुत सारी चीजें हैं। एक ये मुद्रा है, तो नारुतो में भी रहते हैं ये भाई, तुम्हें करो ये सब बाहर लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये सब यहीं का इन्फ्लुएंस है, ये सब कुछ यहीं से गया है। ये भी है एंड्रू टेट, इस तरीके से आता है, ऐसे भी है जो ऐसे हनी करता ना, इसको इस तरीके से भी है यार। ये मैंने शायद कहीं देखा, ये कोरियन साइन है लव के लिए, आई डोंट नो। ये मुझे मैंने मतलब वही बता रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें हैं। अरे यार, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो साइंस है, इनके हर चीज इम्पैक्ट है इनके। तो मैं वेस्टर्न नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ करुणा गैंगसैन में बैठा योग मुद्रा में, काफी फर्क मित्र शिव और रुद्रा में, पहले था बैड बॉय अब शायद सुद्रा में, बन के जखम इनके दिल में ही दुख रहा मैं। तो वही वाली बात है कि साइंस हमारे हैं, मैं वेस्ट तो चलो इनको टी शर्ट इसलिए बिकॉज अप्रिशिएट, लेकिन वो गैंग साइन है, वो गैंग कल्चर यहाँ होना भी नहीं चाहिए है, ऐसा नहीं है गैंग नहीं है, लेकिन वहाँ ये है कि वहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, वहाँ बंदूकें बहुत इजीली अवेलेबल है, ये फर्क है। बाकी यहाँ यूपी के गैंगस्टर देख लो ना, उनसे बड़ा बदमाश कौन है। मध्य प्रदेश के गैंग्स देख लो जो डाकू बन गए थे बाद में, साउथ में देख लो, सब जगह है बदमाशी। यहाँ उत्तराखंड में भी थी, ऐसा नहीं है, यहाँ भड़तुदाई थे। तो बोलने का मतलब ये है कि ना, भड़तुदाई का तो क्षेत्र है अभी बैठे हैं। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना कि सब जगह है, बाहर भी है, पर उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को दिखाया म्यूजिक के थ्रू, और उसको मुझे लगता नहीं हम वो वैसे ही करना चाहिए जो चीज़ हमारी जो चीज़ें हम उसको करते हैं, हम तभी तो हम इंडियन है, तभी तो हम अपने रूट्स, हमारे यहाँ से सब शुरू हुआ है। जैसे म्यूजिक की उत्पत्ति, अब मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट दूंगा जो लोग इसमें कॉन्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं, और मैं खुद भी अभी इस चीज़ में और नॉलेज ले रहा हूँ, मैंने बहुत नॉलेजेबल लोगों से इस बातों में डिस्कस भी किया है। म्यूजिक की उत्पत्ति हमारे देश से हुई है, हमारे देश के हमारे क्षेत्र से हुई, हिमालय से हुई है। अच्छा, कैसे? अब वही मुद्दा है ना, कैसे, इसमें बहुत शोध हो सकती है। मैं इस मुद्दे को लाना नहीं चाह रहा था एक्चुअली, क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर रिसर्च अभी नहीं की। हाँ। लेकिन मैंने उन लोगों से सुना है जो पद्म विभूषण है, वो के पद्मश्री है, मैं भूल गया उनका नाम, माधुरी बर्थवाल हाँ। वो हमारी फोक की स्पेशलिस्ट है, उनको फोक, उन्होंने जो मैं उनका सुन रहा था, उनके साथ बात कर रहा था, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे मांगल जागर सुनाए, फोक गाने सुनाए, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम से। अच्छा। ओम के उच्चारण, ओम से लेके शिव पार्वती संवाद के, जब शिव पार्वती की यहाँ शादी हुई थी, जिसको नंदा माता बोलते हैं हमारे, दर्शन प्रसाद ने गाना भी करना है, तो वो उनका जीवन यहाँ का ही है, शिव यहीं थे, नंदा माता जो पार्वती में, वो जो कहानी दिखाते हिमगिरी की चली, सुना हमने दर्शन प्रसाद, उसमें वही तो है, वही है कि वो जब बारात लेके जाते हैं तो पूछते हैं कि हाँ भाई लड़का क्या करता है, तो exactly. मतलब हमें फिल्मों में नाटकों में दिख, महादेव आता है सीरियल में, दिखता बड़ा सेट दिखता है, हैवी हिमालय राजा क्या बड़ा सेट है, राजकुमारी है, शिव है क्लास में, वो टीवी में से दिखा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल तो पहाड़ी लाइफ थी ना। हमारे यहाँ तो माता पार्वती का दिखाते हैं कि पार्वती माँ बिल्कुल गाँव की एक लड़की थी, फिर वो अपने ससुराल गई और बेचारी वहाँ परेशान हो गई, बर्फ देख देख के, पति तो समाधि में ही बैठे हैं हर टाइम, और उनको याद आ रही है घर की, फिर यहाँ से लोग उनके लिए यात्रा ले जा रहे हैं, वो गाने गा रहे हैं, फिर मांगल गा रहे हैं, ये हमारा, वो हमारे अपने रियल है, हमारे पूर्वज हैं। सोचो हमारे यहाँ वाले लोगों को बात अलग कैसी नहीं होगी, म्यूजिक यहाँ से शुरू हुआ है, संस्कृति यहाँ से शुरू हुई है, इवन रैप के लिए लोग बोलते हैं, रैप बाहर से आया, रैप के मैं, क्योंकि हम लिखते हैं ना, इसके सारे सिलेबल्स, लिखने की टेक्निक, जो अलंकार यूज करते हैं, सब यहाँ पहले के हैं, हजारों साल पहले के, रैप करने की टेक्निक्स, विधाएं
जब मुझे नेगी जी ने एक बार कहा था जब मैं गुरा था, कहते है हमारी विधा है पहले से यहाँ, यानी यहाँ भी रैप करते हैं, यहाँ बोलने का तरीका वैसी है, गाने का कुछ गाने ऐसे फोक, जागर तो वैसे रहते लगभग, जागर हो गए, बहुत पैटर्न है यहाँ पे। माधुरी मैम ने बोला मुझे ये सब पहले से ही है, आप वेस्ट को जो क्रेडिट दे रहे हो उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए किया है, अपना हिप हॉप के लिए जो किया है, हिप हॉप मतलब लाइफ स्टाइल, वो हमारा फोक जो है वो वही तो है लाइफ स्टाइल है, और उसका टेक्निक पहले से यहाँ पे रैपर है। तो हम मतलब हम ऑब्वियसली हम वेस्ट से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हमें गर्व है इस बात का कि ये चीजें, और जब हम और मैं नॉलेज कर रहा हूँ, शोध कर रहा हूँ इस पे, तो मुझे पता चल रहा है कि ये हम ऑलरेडी ये चीज करते थे, हमारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, और हम विश्व गुरु हैं हर चीज में, म्यूजिक में हो, हर चीज में हो, तो ये रैप भी यहीं से है, संगीत भी यहीं से है। इस बारे में और नॉलेज में जब बात होगी, जब मैं और पढ़ूंगा, वो जागर लेके आऊंगा, वो गीत लेके आऊंगा, तब उसको और सबूत के साथ बोल सकते हैं। आपने उसकी बात करी कि ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो क्या कौन से ईश्वर को मानते हैं, सगुण या निर्गुण को मानते हैं? ना मेरे साथ ना बहुत वो चलती है, मतलब दुविधा, इतनी दुविधा है ना, इतना दिमाग में चलता है कि क्या करा जाए, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने विपस्सना ध्यान किया जब से, पहले मैं विपस्सना के बारे में सुना, उसमें सब कुछ फोन वगैरह त्यागना पड़ता है, मेडिटेशन 14-15 दिन के लिए, 10 दिन वैसे 10 दिन स्टार्टिंग है, फिर जब बड़े लेवल पे जाते हो तो 20 दिन, फिर 50 दिन। अच्छा, तो 10 दिन वाले किए मैंने दो बारी, मन तो शांत होता है उससे, बहुत कुछ होता है उसमें। देखते उसमें क्या कि आप एक तो मौन हो जाते हो। अच्छा, किससे कुछ नहीं बोलना, एक जबान से मौन, एक मन से मौन। अच्छा, ज्यादा दिमाग में भी, क्योंकि ध्यान ही करते रहते दिन भर, दिमाग भी ठंडा हो जाता है। और उसमें क्या, उसमें किसी भगवान का नाम नहीं लेते। अच्छा, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, कोई वर्बलाइजेशन नहीं, सिर्फ सांसों का ध्यान 4 दिन, फिर बॉडी सेंसेशंस। अच्छा, हमारी बॉडी में सेंसेशन हो रही है, बहुत टफ काम है, लग रहा सुनने में इजी है, 1 मिनट टिकाना मुश्किल है। अभी तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम्हारे हर बॉडी के एक कण पे टूट रहे और बन रहे, साइंस का वो है ना, हमारे हर सेकंड करोड़ों टिश्यू टूट के बनते हैं, तो हमारे हर सेकंड बॉडी में ना वो हो रही है, सेंसेशन हो रही है, कई बार नहीं होता, हमें खुजली होती है, कई बार ऐसा होता है, वो बहुत जब बड़े लेवल पे होती है तब फील होती है। अच्छा, हर सेकंड हो रही है, जब आप ध्यान, जब हम ध्यान करते हैं ना वहाँ पे, अब तो खैर टाइम लगेगा क्योंकि काफी टाइम से मैं नहीं कर रहा हूँ विपस्सना, लेकिन जब करते तो यहाँ किसी भी कोने में चल जाओ ना, फिर आपको फील होता है यहाँ पे भी, कहीं पे खुजली हो रही है, कहीं पे फुलकन हो रही है, कहीं पे सिहरन हो रही है, कहीं पे तड़पन हो रही है, कहीं पे धड़कन हो रही है, ऐसा सब पूरी बॉडी, पूरी बॉडी, पूरी बॉडी। तो इससे क्या कि अवेयरनेस से ना आपके अंदर जो 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 थॉट है वो बाहर निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। मकसद वही है, थॉट आ रहे हैं उनको जाने दो, रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो, कहीं लिख लुख नहीं सकते हम थॉट्स को, थॉट को लिख के क्या फायदा, वो चले जाएंगे, वो बहुत टेम्पररी है, नथिंग इज परमानेंट, सब टेम्पररी है, आए जाएंगे, सब ऐसा है। बुद्धा फिलॉसफी पढ़ी आपने, मतलब वही बोलने जो हम बात कर रहे थे, वो बुद्धा की, बुद्ध की टेक्निक है विपस्सना, बुद्ध ने विपस्सना खोजी, कितना गंदा दिमाग घूम गया, बुद्ध पढ़ा रखा, बस मैं बुद्धा बोल रहा हूँ, छी छी, सो असर सी बुद्धा, इंग्लिश अगर इंग्लिश में है ना, तो इंग्लिश से इतना इन्फ्लुएंस हो गया, बुद्धा बोलते हैं, अभी बच्चों ने बुद्ध पढ़ा, जैसे मैं महात्मा, हम योग बोलते थे, मैं योगा नहीं बोलता, लोग नहीं बोलते योगा, योगा ये ब्रो योगा, लेकिन साउथ में, साउथ में तमिलनाडु साइड योगा बोलते हैं और केरला साइड योगम बोलते हैं, योगम। अच्छा, तो वही है, वहाँ योगा बोलते हैं तमिलनाडु कर्नाटक साइड। अच्छा, संस्कृत का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे ना, उनके हिसाब से नॉर्थ वाले आ की मात्रा हटा देते हैं। अच्छा, उनके हिसाब से तो ये है, तो अब सबका बोलने का तरीका है, तो यही चीजें हैं, हम क्या बात कर रहे थे, मैं भी खो गया था, सगुण निर्गुण, हाँ सगुण निर्गुण की बात कर रहा था, विपस्सना में गए थे आप, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, मेरे माइंड में वो एक समझ आई मुझे कि हम, हमने क्योंकि भगवान को सोचा था ऐसा इंसान है, ऐसा दिखता है, शिव को मैं बहुत मानता हूँ बचपन से, शिव मेरे साथ बहुत जुड़, मतलब मैं जब शिव का नाम आता तो मेरे खुद ही गूज बम्स आ जाते हैं, टीवी पे महादेव आ रहा होता तो मेरे ऐसे आंसू निकलने को जाते हैं खुद ब खुद ही। तो शिव से मेरा बड़ा बचपन से वो लगाव है, शिव कहते हैं शिव की कृपा से हुआ है जन्म मेरा, ऐसे पंडित जी बोलते हैं। अच्छा, तो क्या है कि पहले से ही जुड़ाव था बहुत, लेकिन जब मैंने ध्यान में, विपस्सना से पहले जब मैं ध्यान में घुसा और तो मुझे ना ऐसा रियलाइज होने लगा, मैं ओशो से भी बहुत इंस्पायर्ड था, ओशो को मैं भी बहुत सुनता हूँ, तो क्या है कि ना मैं वहाँ से मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा ना कि हम, कि पावर तो निर्गुण है। तो मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी, टेक्स्ट पढ़े, थोड़े वेदों के रेफरेंसेस भी लिए, उपनिषदों के भी, जो अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़ी, पर उनके जो मेन मेन चीज़ें हैं वो पढ़ी मैंने कलेक्शन से, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि है तो अल्टीमेटली सब निर्गुण, मतलब निर्गुण का मतलब ये हुआ कि अगर आकार नहीं, उसका निराकार,
वो इतनी बड़ी एनर्जी है कि वो अगर एक आकार में आ गई ना तो वो लिमिटेड, उसकी एक लिमिटेड पावर होगी, वो लिमिटेड नहीं है। पर एक इंसान के फॉर्म वाला बंदा इतना काबिल नहीं है कि वो गैलेक्सीज की गैलेक्सीज और कितना जितना इंसान ने ढूंढा भी नहीं उतना बना दे, एक इंसान उस लायक नहीं है। तो वो जो वो एनर्जी है वही सब कुछ है, वही गॉड है। अगर उसको वर्ड कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस वही है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस वही है। तो ये पत्ते हिल रहे हैं तो ये भी भगवान है, ये भी सगुण है, ये मतलब निर्गुण, ये भी भगवान ही तो है। हम बात कर रहे हैं भी, ये पत्ते उड़ रहे, पंखे, ये जो मक्खी उड़ रही है, ये सब हवा चल रही है, ये सब भगवान ही तो है, ये नेचर है, ये सब भगवान है। और अगर आप इसको सगुण देखते हो तो आप एक भगवान की फॉर्म करते हो। उसका भी कारण है, हमारे धर्म बहुत सोच समझ के काम किया है सनातन में। अच्छा, जैसे मुस्लिम धर्म में उसमें निर्गुण बोलते हैं, निर्गुण है, हाँ, कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। उन्होंने सच जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बोला सही बोला, उन्होंने जो अपनी लाइफ में आत्मज्ञान प्राप्त किया उन्होंने उसके हिसाब से बोला कि ठीक है। और हमारे यहाँ वालों ने क्या किया, उन्होंने स्टेप बनाए। अब डायरेक्टली अब मुस्लिम्स को पता है, बताया निर्गुण, लेकिन उनको निर्गुण पता नहीं एक्चुअल होता क्या ना। अच्छा, एनर्जीज क्या है वो इतनी लेवल पे, उस चीज को समझ नहीं पाए ना, वरना सबसे रिजिड लोग क्यों बने वो। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर वो रिजिड क्यों लगता है, सबसे नया धर्म होने के बाद भी सबसे पुराना क्यों लगता है। ये उसने कहा था, उसने कहा था ना, तो इसीलिए, तो क्योंकि कारण यही है कि उनको सीधा एक ऐसा स्टेप दे दिया जो समझना थोड़ा मुश्किल है। हमारे धर्म वाले ने क्या किया, उसको ना धीरे 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 समझाया। अच्छा, उसको एक रूप दिया है, स्टोरीज दी, पुराणों में क्या है, जनरल पब्लिक के लिए। हाँ, पुराणों में पूरी कहानी है, सिर्फ पुराण आए उपनिषदों के बाद, उसमें कहानी है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, काम ने उन्हें डिस्टर्ब किया, शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि क्या है, काम इच्छा को भस्म कर दो अपने, वो यौगिक टेक, वो यौगिक क्रिया थी कि शिव ध्यान कर रहे हैं और उनके अंदर काम वासना जागी, तो उन्होंने अपनी थर्ड आई उनकी खुली, थर्ड आई मतलब उनका नॉलेज का लेवल खुला और उनका काम खत्म हो गया, काम समाप्त हो गया। कुल मिलाकर डायरेक्ट मैसेज देते कि काम वासना से भागो तो वो नहीं पड़ता। लेकिन स्टोरीज बताई गई है पुराणों में, पुराणों में स्टोरीज बनाई गई हैं। तो ये सगुण को डेवलप करने के लिए ताकि आप रिलेट कर पाओ, ये स्टेप है, मतलब आप रिलेट कर पाओ, आप रिलेट करोगे ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि कुछ है। और जब आप इसमें और अच्छे अच्छे बढ़ोगे तब आप धीरे धीरे निर्गुण की तरफ चल जाओगे, जब आपको रियलाइज होगा कि ये एनर्जी इंसान के रूप में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं किसी का चैनल देख रहा था, मैं मेरा रेफरेंस नहीं, मैं किसी का चैनल देख रहा था, मैं भूल गया कोई अच्छा बात, इसने एक एग्जांपल दिया मुझे इतने अच्छे समझ आया और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा थॉट नहीं है पर लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल है। बंदे ने बोला कि एक गेम एक होता है ना डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, गेम डेवलप करता है, तो उसने गेम डेवलप किया, गेम बनाया, सिस्टम पे गेम देख रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, एक बंदा यहाँ बना रहा है। अब क्या है, उसको भी जब गेम में हम नहीं कि एक बंदा, आप अपनी भी टीम से खेलते हैं हम गेम में कि मैं भी दौड़ रहा हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ, तो उसने एक अपना भी बंदा भेजेगा तो कैसे भेजेगा, गेम के फॉर्म में भेजेगा, जैसे वहां दिख रहे हैं लोग, वो तो अलग दिख रहा है, मैं अलग दिख रहा हूँ, लेकिन मैं जब गेम में खेलूंगा तो मैं अलग दिखूंगा ना वहां लड़ते हुए, जो मेरी तरफ से लड़ रहा है, आपका अवतार अलग होगा। तो जो वो बंदा गेम बना रहा है ना, वो एक निर्गुण पावर है जिसने एक गेम, एक पूरी पृथ्वी, एक पूरा ब्रह्मांड बनाया, और जो अंदर है वो लोग हैं, वो आपस में चल रहे हैं, और एक जो जब बहुत उनके बीच में गड़बड़ होगी तो फिर एक अपना बंदा भेजता है। मैनेज तो यहीं से हो रहा है सब, पर वो उनके रूप में आया है। इंटरेस्टिंग बात है, गेम में अभी तक उसको अवतार बोला जाता है, हाँ? मतलब तो, और मतलब कि आपका अवतार जा रहा है, आपका जो फॉर्म है कि बोलते हैं आपका अवतार मर गया या फिर वो, तो ये मैंने किसी का सुना था, मुझे अच्छा लगा था ये, मतलब एक शब्द मिल गया मेरी थॉट को, मैंने कहा वाओ अच्छा एग्जांपल है। गेमिंग में अभी तक यूज होता है, तो मे बी उस भाई ने इसीलिए कहा होगा, जो भी कहा होगा उसने, मैंने उसका देख रहा था, वो अच्छी बात करता है। तो ये वाली बात है कि उसे बहुत इजीली समझ में आई चीजें, मुझे भी समझ ज्यादा अच्छी लगी कि हम उनके रूप, मतलब हम भगवान का क्या रूप होगा हमें नहीं पता, वो जो जो बना रहा है वो अलग रूप है, और जो हमारे लिए ये रूप है ऐसा है ना, क्योंकि वो हमारे लिए हमारी तरह बन के आए, असली में क्या है कुछ नहीं है, मतलब एनर्जीज है, वो कुछ भी है, तो उसको ज्यादा समझने से अच्छा बस वही है कि आप फील करो ट्रू रहो चीजों को, समझो कि एक सुप्रीम पावर है और आप अपने आप को मतलब रखो, नीचे रखो, थैंकफुल रहो हमेशा। वो देखा आपने अवतार द लास्ट एयरबेंडर, एनिमेस हो है, लेकिन बहुत जबर 50-60 एपिसोड है, लेकिन बहुत ईस्टर्न वेस्टर्न फिलॉसफी को मिला के और स्टोरी बेस्ट स्टोरी टेलिंग, और मतलब कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, एनिमे ही है, मतलब निकलोडियन वालों का है, एनिमे भी नहीं कह सकते उसको, अमेरिका वालों का, लेकिन एनिमेशन स्टाइल उसका वो वाला है। अच्छा, आप देखना
है बच्चों के लिए बनाया गया, लेकिन उसको देख के बूढ़े भी कई बार इमोशनल भी क्या होता है, मतलब लाइव लेसन लेने के लिए बच्चों को तो क्या बुजुर्गों को भी देखना चाहिए हो कि मतलब क्या होती है असली फेमिनिटी, क्या होता है इसकी असली मैस्कुलिनिटी, खुद को रिडीम कैसे करें, खुद को मतलब खुद का वो कैसे ढूंढे, खुद का पाथ कैसे ढूंढे, तो देखना मैं रिकमेंड करूँगा। भले बच्चों के लिए बनाई गई है लेकिन बहुत अच्छी सीरीज है। मतलब आपका फिर कमाई कुमाई का कैसे होता है? कमाई कुमाई का यार भगवान भरोसे चल रहा है, भगवान की कृपा से। कभी कभी कमा लेता हूँ महीने का कोई साल भर का कुछ हिसाब, कोई हिसाब नहीं ऐसा कितना है। कभी कभी बेसिकली क्या है, देखो आर्टिस्ट है, कभी कभी कोलैब के लिए आ जाते हैं तो उससे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वहां से पैसा आता है, मोस्टली शोज हैं, लेकिन शोज बहुत वो नहीं है, फ्रीक्वेंट नहीं है, क्योंकि और फिर वो तो मैंने अपना इतने टाइम से कर रहा हूँ, इमेज बना रखी है, इसलिए मुझे लोग बुला लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि अपने दम पे कोई भी शोज कर रहा है अपने साउंड के साथ, इतना अच्छा जो कर रहे हैं उनके टीम्स हैं या कोई है या लेबल्स के साथ हैं। अच्छा, तो मैं काफी टाइम, आई थिंक प्रॉब्ली मैं पहला आर्टिस्ट हूँ जो यहाँ पे शो एज अ रैपर जो शोज कर रहा है, तो उसमें खुद तो ही रहता है आपका साउंड वगैरह, इंजीनियर मतलब सब कुछ कर रहे हैं जिस हिसाब से बजट, बजट अच्छा तो सब कुछ होगा। नॉर्मल हम नॉर्मल शो भी किए हैं जहाँ पे जो साउंड है, माइक चेक भी, जहाँ पे माइक चेक भी नहीं हुआ है, बस इतना समय है कि आपको आना है, आपकी थोड़ी पेमेंट, ऐसे शो भी किए हैं, क्या करें, सब चीज करा है। फ्री में भी क्या होगा, जा तो फ्री में भी करते, बहुत मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं करता हूँ जहाँ पे मुझे ठीक लगता है। अच्छा, कई इवेंट जज किए हैं, शो रैप इवेंट्स भी जज किए हैं काफी। आपने स्टार्टिंग में करियर में वो उनके साथ वीडियो बड़ा ब्लो अप हुआ था, मैंने पहली बार आपका उनके साथ देखा था, रुहान और करिश्मा के साथ। हाँ, प्रियंका वो मतलब वो वाला वीडियो में उदय था, जिसमें मेरा साथ रुहान का था, एक वीडियो वायरल हुआ था, दीपक का था, एक में हाँ करिश्मा वाले, उदय बाद की बात है, करिश्मा बाद में आई थी। तो ये वो भी एक अलग ट्रेंड था, जो हमारा ग्रुप था डीमंड आर्मी, तो हम लोग, हमारा मैनेजर था अक्षय पुरोहित उस टाइम। अच्छा, तो अक्षय ने इंट्रोड्यूस कराया था प्रियंका से और रोहन से कि 2016 की बात है, हाँ 2016 एंड की, कि ये भी ये कलाकार हैं और ये गाते हैं, और हमने मिले, हमने बोला हाँ अच्छी बात है, आप टैलेंटेड हो, कि अब इनका भी हम साथ में कराएंगे करके। तो फिर हम एक क्रू बन गए थे। अच्छा, फिर वहाँ से क्या हुआ कि हम उनके साथ भी काम करने लगे, उनके साथ भी लाइव शो वगैरह किए। हाँ, लाइव शोज किए हमने साथ में काफ़ी, प्रियंका ने, मैंने, रूहान ने, करिश्मा ने, चमोली ने, हम साथ में शो हमने काफ़ी मारे। तो उस टाइम पे तो हमारे वीडियो वायरल हो गए कुछ नॉर्मल, वैसे वीडियो तो बनाते नहीं थे ज़्यादा, जो बन रहे तो चलने थे, ऐसे सेल्फी वीडियो बनाई वायरल क्लिक कर गए, तो मेरा वाला बादशाह ने शेयर किया था। अच्छा, उदय वाला सोनू निगम ने शेयर किया था। अरे भाई, तो वहाँ से रीच बढ़ गई हमारी बहुत। अच्छा, वहीं से लोग मतलब लोग आज तक मिलते हैं, वीडियोस वही देखे थे मैंने। अच्छा, लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे आपकी वो वीडियो देखी, लोग आपका म्यूजिक लोगों ने इतना सुना नहीं, लोग तब का ही जानते हैं, जो बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे। तो वही है, तो इन लोगों के साथ भी हमने काम किया। प्रियंका के साथ होती है अभी तक बात? अभी हाँ होती है प्रियंका के साथ बात, बोलता यार पॉडकास्ट पे आ जाए प्रियंका पॉडकास्ट पे आना, एक क्लिप डाल देना पॉडकास्ट करो, अपने बारे में बताओ, प्रियंका को जानने, लोगों के बारे में मन में काफी कुछ धारणाएं हैं प्रियंका को लेके, जितना मुझे लगता है कि प्रियंका ऐसी है, कोई कहता वैसी है, कोई कहता सही है, कोई कहता ऐसी है, तो मुझे लगता है प्रियंका तुम बेटर खुद बता सकते हो तुम कैसी है, लोगों को देख के ही पता चल जाएगा ऐसा, कि तो कुछ तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 2 घंटे बैठे हो तुम, तो वही से निकल जाता है, लोग खुद ही बता देते हैं क्या है क्या नहीं है, लोग बात करके आपको बता देते हैं लोग कैसे। अभी छोड़ने का मन नहीं करता आपका? यार भगवान की कृपा से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना सच बात, मैं ना बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ सैडनेस, क्योंकि क्या है कि देखो मैं देखता हूँ लोगों को, आर्टिस्ट मेरे नोन में आर्टिस्ट मार्केट के देखता हूँ, जो म्यूजिक नहीं बना पा रहे सोच के कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे, हमारे गाने नहीं चल रहे, वो डिप्रेस हो जाते हैं कि म्यूजिक बनाए कैसे, चल तो रहे नहीं। आपके भी तो एवरेज 5-10 हज़ार ही आते हैं, किसी में 5-10 हज़ार आ रहे हैं, कभी-कभी आगे देखो 5 लाख आगे, लेकिन वो किसी में 5 लाख है, किसी में 2 लाख भी है, किसी में 5 हज़ार ही है, उस गानों में 2 हज़ार भी है। अब क्या है कि वो गानों पे भी, अब मुझे नहीं पता YouTube कैसे क्या काम करता है, मेरा जो नया गाना आया था उसमें मैं परेशानी हो रहा हूँ, उसमें 7 हज़ार, उसमें 7 हज़ार थे, फिर वो 5 हो गए। अच्छा, फिर वो 5 से 4 हो गए, फिर वो 4 हुए, फिर वो 5 हुए, फिर वो 5.5 हुए, फिर वो 4 हो गए, फिर वो 4.5 हुए, फिर वो 4 हो गए, फिर वो 4.3 हुए, फिर वो 4 हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। YouTube इज टेस्टिंग यू, एक साथ आएंगे वो, पता नहीं जुड़ गए, मैंने 1-2 मेल भी डाली उन्हें, अभी वो 4.1 पे अटक रखा है। अच्छा, फिर कल 4.1 में था, फिर 4 हो गए। हाँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है वो क्या हो रहा है, तो
तो अब वही चीज़ है कि मेरे हाथ में नहीं ये चीज़ है ना, मेरे हाथ में क्या है कि सिर्फ कर्म करना, और मैं करूँ. मैं एक्चुअली क्या है ना, लोग अपने आप को जज करते हैं, मैं अपने को जज नहीं करता. मैंने रियलाइज किया ना, मैं गाना निकाल रहा हूँ, मैं मुझे पता है मैंने अच्छा गाना निकाला है, तो मैं उसी कॉन्फिडेंस से हूँ बाहर भी कि मैंने. लेकिन लोगों की सोच क्या है कि इसके गाने में व्यूज कम है तो ये इसको शायद फ्लॉप है या इसका गाना फ्लॉप है, तो वो आपको उस तरीके से जज करने की कोशिश करते हैं. अच्छा. लेकिन मैं अपने आप को उस समय प्रेजेंट करता ही नहीं हूँ. मैं तो उतनी प्राउडली सबसे मिलता हूँ, जैसे मेरा नया कंटेंट हिट गाना है, मेरे तो हिट गाना है ना, मेरे लिए हिट करनी वही बात है कि मैंने भाई एग्जीक्यूट करके दिखा दिया यार एक गाना, उसको वीडियो शूट करके साला अपलोड करके दिखा दे, भेज दे आप लोगों तक. आप सारे गानों की म्यूजिक वीडियो बनवाते ही हो? कोशिश करता हूँ जो मुझे लगता है, जितना मेरे से बन पाते हैं, जितने बन पाते हैं. वो आपका अच्छा चल गया था जो सौ सिंगार वाला था, रोहित चौहान के साथ, मतलब व्यूज के मामले में वही मैं वही बता रहा हूँ. मेरे लिए तो चलना मतलब ठीक है, सब गाने अच्छे ही है मेरे लिए तो. हाँ, जिसमें व्यूज आ गए ठीक है. वैसे मेरे लिए तो हिट मेरा पहाड़ बहुत चला था, जो हिट मेरा पहाड़ पे आपने एनवायरनमेंट का भी मैसेज देना का ट्राई किया. फिर उसके मैंने पहली बार अपना टूर भी किया था, उसके मैंने 5-6 शो किए थे, तो हिट मेरा पहाड़ हमने हर जगह ओपनिंग करी, उसको रिलीज किया था शोज में और फिर परफॉर्म किया था. नहीं, गाना तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को. हाँ, गाना बहुत अच्छा. उसमें मतलब वही है कि आप चुपके से मैसेज दिया आपने. वो चमोली का आइडिया था, वीडियो डायरेक्टर चमोली ये डायरेक्टर थे उसका. तो मैं चाहता था कि कुछ चीजें हों, तो चमोली ने बहुत अच्छा मैसेज में डाला, लव्ड इट. आप भी करते हो ना डायरेक्ट? मैं भी करता हूँ, हमने साथ में किया था एक छोरा ब्रह्मचारी. छोरा ब्रह्मचारी है क्या? ये डायरेक्शन का क्या है ना कि बाय द टाइम में तो आप बिल्कुल संजय से सिलोड़ी लग रहे हो. निर्मला वाला गाना था. अच्छा, आपने डायरेक्ट किया था मांगल प्रोडक्शन. तो डायरेक्शन का ये है कि हम सीख रहे हैं अभी, और जैसे तुमने पूछा था पैसे कैसे कमा रहे हो ना, तो ये भी एक तरीका हो गया थोड़ा बहुत की प्रोजेक्ट क्या कमा पा रहे हैं जब कुछ और कर पा रहे हैं. पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इंडस्ट्री से जुड़ के इसी फील्ड से जुड़ के रहूँ, ताकि थोड़ा बहुत पैसा कहीं ना कहीं से आ जाए कि प्रोजेक्ट अगर मेरे पे है उसके थ्रू हम कुछ कर लें. तो क्या क्या करने का विचार है आगे? यार म्यूजिक करना है, अच्छा करना है, अच्छा म्यूजिक करना है और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना है. और अब थोड़ा सोच बदल रहा हूँ कि वैसे फर्क तो नहीं पड़ता है क्या है क्या नहीं है, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे सोचना पड़ेगा इस तरफ कि मैं कैसे और रीच बढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना और बहुत लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि मेरे गाने अच्छे, लोग कभी कमेंट करते रहते हैं यार ये गाना तो मिलियन डिजर्व करता है. अच्छा. ये तो बहुत, तो फिर पहुंच के नहीं पहुंचना भी तो चाहिए. तो ये है मुद्दा. तो आई थिंक अब टाइम आ गया है कि अब बहुत आगे बढ़ने का. तो अब ये चीज बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब कि आर्टिस्टिक जो है आर्ट वर्सेस कॉमर्स को कैसे बैलेंस करते हैं? ये दोनों चीज रखनी पड़ती है या सब पता नहीं, मुझे नहीं पता. मेरे पे मुझे लगता मतलब हो जाती, ज्यादा सोचते नहीं. मेरे पे कुछ नहीं है, मैं बस भगवान की कृपा है. सब आप लोग, आप जैसे लोग हो, जो लोग देखते हैं कि कोई मेहनत कर रहा है, हमें सबके साथ आप जैसे लोग सपोर्ट करते हो कि चलो भाई कर रहे हैं तो मिलके कर लो. थोड़ा बहुत जो भी होता है, मतलब मेरे साथ जो भी काम करते हैं, जो मेरे लड़के हैं, उनको भी पता है बात. मैं ऐसा कोई उनको पे नहीं करता हूँ, क्योंकि खुद है इतना कुछ है नहीं पे करने का. अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर एक ही गाना बन पाएगा साल में. तो वो ये कि वो भी कुछ करना चाहते हैं साथ में, कि कुछ क्या पता है, उनको भी भरोसा है मुझ पे कि ये क्लिक करेगा तो कल के दिन ये ऐसा लड़का है कि ये लेके जाएगा आगे. जैसे आज एमीवे हो गया, डिवाइन हो गया, उनके साथ पहले दिन वाले लड़के, उनके वही वाले जो वही लड़के काम करते हैं. तो हम भी यही सोचते हैं कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, अगर कल के दिन कुछ होता है तो हम उनको ठीक मतलब आगे करें. तो शायद इसलिए हम कर पा रहे हैं चीजें. राणा लैपटॉप ले आओ, कर लेते हैं. हिट मेरा पहाड़ पे कह रहे थे कि आपको कुछ किस्सा है कुछ उससे जुड़ा हुआ, किस बारे में है वो? यार वो ना इंटरेस्टिंग था. मतलब हम क्या हुआ कि पहली बार जौनसार क्षेत्र में गया मैं. और जौनसार में शूट हो रखा है वो, उसमें कुमाऊनी लिरिक्स हैं, अब गढ़वाली रैप, गढ़वाली रैप है. वही मिक्स पूरा उत्तराखंड दिखा रहा है गाना, गढ़वाली कुमाऊनी गाना है. लोकेशन जौनसार है. उसमें क्या हुआ कि हम पे एक दिन का टाइम था शूट के लिए. अच्छा. और हम लोग गए जौनसार, हम भटकते रह गए. हम पे दिन के 3 बजे तक लोकेशन ही नहीं है, सुबह के निकले हुए. अगले दिन इलेक्शन थे, सारे होटल बंद थे. हमने कहा आज रुक जाते हैं तो कल करेंगे, लोकेशन ढूंढते हैं. इलेक्शन की वजह से होटल ही खाली नहीं है. अच्छा. और जो रिजॉर्ट्स खाली हैं वो 10-10 हज़ार बता रहे हैं. और हमने कहा पागल हो गए, 10 हज़ार रुपए इतना तो हमारा बजट ही नहीं है. इतना टोटल वीडियो का बजट. हाँ वही तो, उससे भी कम मेरा होगा भयंकर. अच्छा. तो अब क्या करें? अब मैंने बोला यार ऐसे नहीं हो पाएगा. मतलब आखिरी मोमेंट में हो गया कि घर ही चलते वापस. मैंने कहा नहीं यार घर नहीं जा सकते, काम करना है. मेरे को पता है यहाँ आने का वापस जाने का मतलब कुछ नहीं हुआ, और फिर वापस सब कुछ दोबारा से. दिन के 4 बजे हमें लोकेशन मिलती है. अच्छा. एक गांव,
गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, और उसी दिन वहाँ ना महासु देवता की डोली आई थी एक दिन पहले, चलदा महाराज, चार महासु देवता है, चार महासु देवता है, तो उनमें से एक चलदा चलदा है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन चार है। तो एक दिन पहले उनके गांव में डोली आई थी, कितने बता रहे थे, 38 साल पहले, साल बाद, 37 साल बाद। अच्छा। और वहाँ की एनर्जी अलग थी गाँव की, जब हम घुसे 4 बजे, पूरे दिन हमें कुछ नहीं मिला, घुसते वहाँ सब मिल गया, गाँव का खलिहान मिल गया, वहाँ ढोल दमो बज रहे हैं, लोग जनता बैठी हुई है, हमें पूरा फ्रेम मिल गया क्या करना है फटाफट। उन्होंने बोला रुक जाओ, आप गेस्ट हो हमारे, हमारा गेस्ट हाउस है गाँव का, फ्री में रहो, खाना रात को हमारा बन रहा है, खाना भी खाओ। अच्छा। सब ऑटोमेटिकली सब मिल गया। 4 से 6:30 बजे तक शूट किया हमने। अच्छा, 2 घंटे में, 2 घंटे में शूट किया। अच्छा। पूरा गाना नहीं किया लेकिन ऑलमोस्ट गाना हमने वही 2 घंटे में कर दिया, सब कुछ खुद ही होने लग गया। हाँ। वहाँ इतनी हाई एनर्जी, बच्चे आ रहे ऐसे घूम रहे, और अचानक किसी पे देवी आ जा रही। अच्छा। किसी पे कोई चिल्ला जा रहा, हमारे साथ बॉम्बे की एक्ट्रेस थी क्यारा, जो भी मूवी वगैरह भी कर रही है, प्रतीक खोड़ के साथ गाना कर चुकी है, स्टूडेंट ऑफ एयर 2 में भी थी वो, काफी एड्स वगैरह करती है बॉम्बे में। वो डर गई, उसने बोले क्या हो रहा है, किसी भी देवता आ जा रहा, कभी कुछ जा रहा, हमने क्यों क्या हो रहा अभी। लोगों ने बोला अभी महाराज आए हैं तो एनर्जी बहुत हाई है आगे, वो जो फील कर पा रहा था बहुत। रात को सोए हुआ मैं, उनका चिल्लम चिल्ला मच रहा, क्या हो रहा है भैया, डर गए भैया लोग, रिलैक्स करो कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा है। फिर सुबह महाराज के दर्शन दर्शन किए वहाँ मंदिर के, सुबह सुबह जो बंदा हमें 10,000 में रिजॉर्ट दे रहा था उसी गाँव में, उसी गाँव का था वो, हमें बोला सुबह हमारे शूट कर लो। अच्छा। सुबह एक पोर्शन उसके यहाँ शूट किया। अच्छा। तो 4-5 घंटे का शूट आउट टोटल, 2 घंटे शाम का और 2 घंटे सुबह का, और इतना अच्छा वीडियो निकल गया। कभी कभी मतलब फ्लो के साथ चलना चाहिए, मतलब उसको अपोज नहीं करना चाहिए, जो ब्रह्मांड का फ्लो है कि भाई अभी नहीं हो रहा तो शूट रहने दो। तो मतलब राइटिंग प्रोसेस भी लगभग ऐसी रहती है, कई बार क्रिएटिव ब्लॉक होता है, मैं क्या करता हूँ ना, जैसे कई बार क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, लिखा ही नहीं जा रहा, तो उस टाइम नहीं लिखना चाहिए। अब जैसे मैं काफी टाइम से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एल्बम की तरह एल्बम पे लगा हूँ, एल्बम पे गाने बने हुए मेरे बहुत टाइम हो गया। अब मेरा काम क्या, डेली मिक्स पे बैठना या डेली वीडियो का प्लान करना या वीडियो शूट पे जाना या वीडियो एडिट पे बैठना, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ नया कुछ। मैंने गाने बना रखे 8-10 गाने एल्बम में, इंटरनेशनल पार्टी करके एल्बम है। कब आ रही वो, एक एक करके आई, एक एक करके डाल रहा हूँ फिलहाल, तो देखते हैं। बाकी एक गाना आ चुका है, एक गाना जब तक शायद ये रिलीज होगा हो जाएगा, कि यार RKSR गाने का नाम है, RKSR, ये अभी तो रिवील नहीं किया मैंने, पर मुझे लगता है रिलीज के बाद ही आएगा। तो रो का पकड़ ऐसा कुछ था ना, कुछ चक्रवात सा नाम, राधा कृष्ण सीताराम। अच्छा, ये नाम है, है? तो बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा गाना है, लोग सुन के मैं आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा सबको। ड्रिल पे है और बहुत ही प्यारा गाना है। अच्छा, कि अकेले सूरज के साथ नहीं, उदय के साथ? नहीं, उदय के साथ चकड़त था, हो गया। अच्छा, तोपाल के साथ, अरुण तोपाल जिसने म्यूजिक बनाया, उसने इसमें हुक गाया है, बहुत मेलेडिक हुक है। तो मतलब यही थे किस्से, बहुत अच्छे अच्छे किस्से थे यार, और स्ट्रगल चल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ यार, मतलब मजा आता है, टफ लगती है लाइफ आगे, पर एक भरोसा आता है अंदर ना कि आप अच्छा काम कर रहे हो और हो जाएगा सब, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा होगा, वो अंदर से बहुत अटूट विश्वास आता है। एक खुद भी लिखा था आपने एक गाना पलायन पे, वो एक्चुअली बहुत पहले का लिखा हुआ है, उदय ने वो लिखा था जब उदय पहली बार जापान गया था 2016-17 में। अच्छा। उदय वाला पार्ट, आधा आधा रैप, और मैंने आधा पार्ट लिखा था, और मैं आधा पार्ट लिखा था जब मैं बम्बई गया था 2018 में, मैंने तब लिखा था आधा। अच्छा। तो तब से दिमाग में था कि इसको एक करेंगे, दोनों को एक बना देंगे, दोनों ने अपने अपने फेसबुक पे नॉर्मल गा के अपलोड किए, वो क्लिप्स अभी भी हो, तो मेरे दिमाग में था कि इसको बनाना है एक, तो फिर इस बार पिछले बार इसको एग्जीक्यूट किया गया, आगे की लिरिक्स कंप्लीट करी। अच्छा। और फटाफट इसको शूट मारा जो भी पॉसिबल हो पाया थोड़ा बहुत, और अच्छा, मुझे डर था कि क्योंकि मैंने उसमें बहुत उत्तराखंड पे बात की कि स्कूल कॉलेज नहीं हो, कि पलायन चल रहा है ये वो ना, मेरे दिमाग में था कंटिन्यूसली कि लोग बोलेंगे साला तुमने खुद ही तो किया है, तो मैंने ऐसे गाने की आखिरी लाइन है मेरी। अच्छा। क्या था वो लाइन, जिन पर पैसा बाहर जा रहे कनगनो गांव छोड़े, मतलब मैं किसी को कैसे कहूँ, मैं खुद ही गांव छोड़ के देहरादून आ गया, ऐसे कुछ लाइन थी, गांव छोड़ के अब हुई देहरादून में बसी गयों करके। तो लोगों ने बहुत रिलेट किया, तो उससे मुझे ये भी समझ आया कि हमको पलायन की जो बात है ना, लोग कहते हैं कि पलायन हो रहा है क्यों गए, कोई एक तरफ तो ये है कि नहीं जाना चाहिए, एक तरफ कहते नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, तो बोलने का मतलब ये है कि जाओ, जरूरी है जाना, बाहर जाओगे कुछ सीखोगे, कुछ कमा के आओगे जब रोजगार नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब जाओ पर वापस आओ, वापस आओ, जुड़े रहो, ये इम्पोर्टेंट है।
जुड़े रहना, वापस आना और जुड़े रहना इम्पोर्टेंट है, जाना जरूरी है। क्योंकि जाओगे नहीं तो पैसे कैसे कमाओगे, जीवन कैसे सीखोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। लेकिन जाओगे, जाना भी जरूरी है तो वापस आना है। यार चल नहीं रहा। अब हम एक दो गाने आपके वो करेंगे, आपसे एक्सप्लेन ब्रेक डाउन जो भी कह सकते हैं इसको, या फिर रिएक्ट जो भी होगा, आप उसके बारे में कुछ भी बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो चला दे नो हिट। नो हिट, नो हिट एक ऐसा गाना है जो कि बहुत कमर्शियल वाइब है, झूमने वाली, और इसकी लिरिक्स सुनने में बहुत पेपी सी लगती है, फैंसी सी, लेकिन बहुत इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, लिरिक्स बहुत गहरा सा गाना है उसके। जब मैं अभी लिरिक्स आपको बताऊंगा उसकी ब्रेक डाउन, तो उसका बहुत कई चीजें ऐसी होती है ना, कुछ चीजें सिर्फ आपको ही समझ आती है। आप एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता लोग समझे, क्योंकि कुछ आप अपने लिए सोच के लिखते हो, अपने किस्सों से लिखते हो, वो लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उन्हें पता ही नहीं है वो किस्से आपके। ओल्ड स्कूल है क्या? ओल्ड स्कूल है, प्रॉपर ओल्ड स्कूल है। या जूते वैंस मेरे में भी दे, बढ़िया है ओल्ड स्कूल तो, मतलब सब डुप्लीकेट आ रहे हैं पता है। 2012-13 में ऑनलाइन मंगाते थे तो उस टाइम पे बढ़िया आते थे, जापान से आया हुआ है तो असली है। लेकिन ये साले अमेज़न वाले भी पता नहीं सब नकली सेलर बन रखे हैं, 3,000 का नकली वैंस बेच रहे हैं बताओ। ये है ये शर्ट ब्लेज, ब्लेज आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है, ब्लेज जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है, बोहेमिया के, बोहेमिया ने मैसेज किया उसे, बोहेमिया के रिमिक्स बना रहा है, वायरल हो रखा था जब भी, जो वायरल चल रहा है रील पे बहुत इसी का। ए ए ए तुम समझो, तुम बताओ क्या कह रहा है। फिर से सुनो, तू भी आजा मेरी, रोक दो। गेट क्या, किसके, गाड़ी के? नहीं, वो बेसिकली मेटाफरिकली बात कर रहा है, कवि कह रहे हैं कि तू भी आजा मेरी गाड़ी में बैठ खड़े, मतलब जो हेट तू कर रहा है ना, मेरी प्यार की गाड़ी में बैठो, अपने ईगो को नीचे करके, ईगो छोड़ो, दुश्मनी छोड़ो, और मेरे प्यार की दोस्ती है जो मेरी प्यार की गाड़ी है उसमें बैठो। अच्छा, और राइड, लेट्स राइड, तू भी आजा मेरी गाड़ी में बैठ खड़े खड़े, कब तक करे हेट, देने लगा लिफ्ट कर तू मोटिवेट, लिफ्ट दे रहा हूँ कि मैं भी हाथ बढ़ा रहा हूँ दोस्ती का, ईगो कर डाउन तो खुल जाए गेट। गेट मतलब गाड़ी का गेट खुलेगा मेटाफरिकली और रियल में कि आप दोस्ती के लिए गेट खुल रहे। चोरी करी बदनाम वो पॉज कर, छोरी करी बदनाम वो न मुन्नी, जवान शीला की भी उड़ रही है चुन्नी। एक तो मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी का रेफरेंस हो गया। अब देखो इसमें क्या है, गाना क्या कह रहा है, ये इतनी अंडररेटेड लाइन है किसी को समझ नहीं आएंगे, लेकिन ये क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते दूसरों से, तो इसका छोरी करी बदनाम वो न मुन्नी, जो छोरी बदनाम कर रही है मतलब मुझे, जो मेरे बारे में कुछ गलत कह रही है, वो खुद मुन्नी नहीं है, वो मतलब वो बच्ची नहीं है, वो मुन्नी मतलब, अच्छा मुन्नी मतलब ये दूसरा, ये मतलब दूसरी छोटी बच्ची वाली, ये ये दो दो मतलब आ रहे ना, एक तो एक गाने का रेफरेंस आ गया नॉर्मल, छोरी करी बदनाम वो ना मुन्नी, मुन्नी बदनाम, ठीक है। एक है कि जो लड़की मेरे लिए बोल रही है ना, जो मेरे बारे में चीजें बोल रहे हैं, वो खुद मुन्नी नहीं है, ये खुद बच्चे नहीं है वो, नुन्नी। छोरी करी बदनाम वो ना मुन्नी, जवान शीला की भी उड़ रही है चुन्नी। अच्छा, जो ये शीला मतलब ये लड़की है ना, इसी खुद ही ये जो मेरे पे मेरे को गलत बता रहे हैं, इनके खुद के चुनिया उड़ रही है, ये खुद की समझो, इनकी खुद की चुनिया उड़ रही है और ये हमें गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो जवान शीला, शीला की जवानी, ये इसके दो मतलब आ गए। बस क्या है लाइन, क्या थी, पीछे कर दो, हाँ रोक दो, बनते बदमाश नुन्नी उनकी फुन्नी, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये जो बनते हैं वैसे है नहीं, अगर पर लाइट नहीं, इसको सिंपल भाषा में समझा जाए कि जैसे बनते हैं बदमाश, ये असली में है नहीं ऐसे, ठीक है, इनकी नुन्नी फुन्नी। बनते बदमाश नुन्नी उनकी फुन्नी, नॉन वेज बातें खाता नहीं मैं फुन्नी, मतलब क्या होता है, भुन्नी नहीं होती है, मीट, मीट अच्छा, का भुना हुआ मीट, हाँ अच्छा। तो नॉन, हम सिर्फ नॉनवेज बातें करते हैं, खाते नहीं है। नाइस नाइस, मदिरा नहीं पीता। आगे दो लाइन, इसको दो लाइन प्ले करो, पॉज कर दो, अब देखो इसमें ना,
मैं कह रहा हूँ सुन्नी ना शिया फिर भी मदिरा ना पिया, ये तो समझ गए होंगे मुस्लिम शराब नहीं पीते। तो मैंने इसको इस डायरेक्ट बोलने की जगह इसको अलग तरीके से मैंने अध्ययन किया था, तो वो भी एक वजह रही शराब छोड़ने की मेरी, होंगी कुछ ना कुछ बताई वजह होंगी, मतलब वो था कि वो बनाई एक बेस उसका वो था कि लोग शराब बहुत ज्यादा पीने लगे, हर चीज का वही है, हर चीज का वही है कारण कि वो धर्म से जोड़ देंगे ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पोएटिक तरीके से उसको सुन्नी ना शिया का डाल दिया कि ना मैं सुन्नी हूँ ना मैं शिया हूँ फिर भी मदिरा ना पिया, लाइन तो ऐसी थी। फिर मैंने कहा यार अभी तो नहीं पी रहा लेकिन पहले तो पीता था, आगे क्या पता पीऊं, तो मैंने उसमें लाइन आगे एक जोड़ी है जिससे वो मतलब मेरे लिए कोई समझ सुन्नी ना शिया फिर भी मदिरा ना पिया कब से, मतलब कब से भी उसी साथ जोड़ लो, कब से नहीं पी मतलब, और इसको आगे वाली लाइन के साथ भी जोड़ लो, ये वर्ड दो कब से तो नहीं है कि कब से नहीं पिया यार। तो कब से, ये जो कब से वर्ड है ये पहली वाली लाइन के लिए भी सेकंड लाइन के लिए भी है। अच्छा, कि कब से रब से टेलीपैथी चल रही, हालेलुया। अच्छा, रब से टेलीपैथी चल रही, टेलीपैथी मतलब जब हम डायरेक्टली बात करते हैं तो रब से मेरी टेलीपैथी बहुत पहले से चल रही है, और हालेलुया अब देखो मैंने क्या किया, शुरू में मुस्लिम का लिया, हालेलुया क्रिश्चियन का हो गया, ताकि मैंने दोनों धर्म को डाल दिया, अब नेक्स्ट लाइन में हम हिंदू अपने अब्राहमिक रिलीजन छोड़ दिया, जूडाइज्म हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले सब अपने करके बन के त्राटक पिछला जन्म देख लिया, थॉटलेस स्टेट माइंड तेरा रेट किया, करके बन के त्राटक पिछला जन्म देख लिया, जिसमें मैं बता रहा था कि त्राटक करने से आपको बहुत कुछ पता चलता है अपने पुराने चीजों के बारे में भी आपको कुछ आते हैं, और थॉटलेस स्टेट माइंड तेरा रेट, ये योगिक लाइन है कि जब आपका दिमाग थॉटलेस होता है ना, जब आप ध्यान करके आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होते तो आप देन यू आर एबल टू रीड द माइंड ऑफ अदर पर्सन। तुम देखे नहीं काफी लोग होते हैं जो दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, ठीक मतलब सिद्धियां तो होती है, सिद्धियां हैं, तो जब आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होता है ना तो आप दूसरे का थॉट पढ़ सकते हो, जब आप हमारे दिमाग में इतने खुद के थॉट है ना हम दूसरे पे फोकस ही नहीं कर सकते, ध्यान यही तो चीज है कि जब मैं खुद खाली हूँ यहाँ पे ना तो मैं मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, तो ये लाइन देना चाहिए। ये रामायण का रेफरेंस है कि रामराज की तरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, धोबी बन गए तू कलेश मत कर, धोबी रामायण में याद है जब सीता को राम जी निकाल देते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि धोबी अपनी बीवी की पिटाई कर रहा होता है। अच्छा। किसी बात के लिए तो सैनिक सुन लेते हैं, वो कहता है कि मैं कोई राम नहीं हूँ जो 14 साल बीवी बाहर रही और फिर भी रख लिया, समझा, तो राम जी को ये चीज लग जाती है कि मेरी जनता है सोच रही, तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि रामराज सब बढ़िया चल रहा है, धोबी बन के कलेश मत कर। सात सात हम सात आठ, और मतलब सबको अपने साथ, मतलब सात आठ भी है और 50-60 भी है, तो हमारे साथ बिगाड़ो मत। पांच बुलाए 15 चको सात गाना सुना उन्होंने मंगलेश ढंगवाल जी का है, शुरू में बोलते हैं अली रैपर कैसे कैसे रैपर है, ओजी रैपर्स को नहीं सुनते हो ये गाना, कौन सा लगा ना उनके गाने से पहले रॉप उन्होंने कर लिया था वही तो बांध के जो स्टार्टिंग में है, तो वही तो मैं कह रहा हूं गढ़वाल के नंबर 1 अब उसको भी रैप बोले तो वो भी रैप है, आप उसको कंपीट नहीं कर सकते, मैं वही तो कह रहा हूं अगर उसको भी रैप बोले तो वो भी रैप है, रहती है वो बसिया फुरके फुरके पहला वो है R&B प्लस हिप हॉप, यहां फटके 4 होगी, हम फटके 64 कर देते ना, अच्छा 4 का क्यूब 64 अभी मैथ्स भी लगाया, 4 का क्यूब फटके 64 जब पढ़ते फटके 64 एक रापट में जाता है, चार की पावर चार होगी, नहीं 16 हो गए, 4 की पावर 4 16 होगी, चार की पावर चार अरे 4 की पावर 2 कितनी होती है, 4 की पावर 2 होगी 16 4 की पावर 3 हाँ मेरे पहले सही था, मुझे लगा ज्यादा ही N की पावर N-1 ठीक है। अब इसके आगे वाले ये पूरे 4 लाइनें एक साथ होंगी, ये क्या था कि ये पूरी बजाओ सर, पूरे चलने दो, रोक दो,
इसमें काफी लोगों ने मुझे कहा था तुम मुफाड़ को डिस कर रहे हो ये वो सो ना, अब इसको लगता है कि बस मेंशन कर लिया तो अब क्या है इसमें ना लाइन एक्चुअली इंटरेस्टिंग लाइन बन रही थी। मैंने बोला फटके 64 जब पढ़ते फटके 64 एक रापड़ में जाता है मुफट महाराज मुफाड़ क्या तू गौरव, तीनों की पर्सनालिटी है उसकी मुफाड़ अपने लिए महाराज इंस्टाग्राम लाइव पे महाराज भी बोलता है और उसका रियल नेम गौरव है। तो मैंने ये अच्छा एक सेंटेंस अच्छा बन रहा था बार बन रहा था एक्चुअली महाराज मुफाड़ क्या तू गौरव मतलब तू अब मुंह फाड़ के बता क्या तुझे गर्व है अपने पे क्या तुझे घमंड है गौरव मतलब घमंड ये मतलब आ रहा है। शकुनी जैसे चाल चले तेरे साथी कौरव तू शकुनी जैसे अगर तुम अगर शातिरबाजी कर रहे हो तो तुम्हारे साथ वाले कौरव ही होंगे तुम सबने ये थोड़ा टाइम लेगा गरारी इनकी अटकी बार्स मेरे कायम मतलब इनकी बातें अटकी हुई हैं और मेरे चल रही है। दूसरा मतलब ये है गरारी इनकी अटकी हुई है जैसे पेट खराब अटका हुआ है और मेरे पास कायम है कायम चूर्ण की तरह ना अच्छा। सब बढ़िया चल रहा है पेट अच्छा इनकी अटकी हुई है मेरा कायम है किलविश करु पूरी हेल किंग अही रावण अब किलविश कायम वाली से भी आ रहा है पीछे अंधेरा कायम रहे किलविश करु पूरी तेरे को मानने की विश करु पूरी हेल किंग अही रावण अही रावण के बारे में सुने ये रावण का चचेरा भाई था जो अच्छा। कि पाताल लोक का राजा था अच्छा। जहां हनुमान ने अपने बेटे से पहली बार मुलाकात की थी अच्छा। और आई रावण से राम लक्ष्मण को बचाया था जब मेघनाथ मर गया था ना तब आई रावण ने छल द्वारा उनको ले गया था पाताल किंग अच्छा और कायम पिछले वाली लाइन से भी जोड़ रहा है किलविश की अंधेरा कायम रहे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रोहन करिए ये नॉर्मल है जो कृष्णा उसके लिए है क्या है? कृष्णा भगवान के लिए नहीं नहीं ये जस्ट एक वैसी है लकड़ी तोड़ दूं या दही फोड़ ये एक स्लैंग्स है तेरी लकड़ी तोड़ दूंगा इतनी दही फोड़ दूंगा लकड़ी तोड़ दूं या दही फोड़ दूं मैं तेरी बादल फाड़ू तेरा ये मैंने मतलब खुद ही बनाया खुद के बनाए स्लैंग्स है हाथ में बढ़ाना चाहता दोस्ती का दोस्त हूँ मैं योगी और मोदी सा होमी था तेरा जैसे टोनी जा वाली हाथी वाली वो नहीं है ये लड़ती मेरे पीछे जैसे सोनिया और सोनिका सोनिया है सीरियल सोनिका तो ये मैं एक तो वर्ड प्ले कर रहा हूँ सोनिया सोनिका और सोनिका सोनी सीरियल दूसरा मतलब ये है इसमें जो सोनी और सोनिका है उनको भी दीपक कलाल को देखा है दीपक कलाल की वीडियो देखता हूँ मैं तो बड़ा इंटरेस्ट देखता हूँ उसका एंटरटेनिंग के लिए पहले उसकी वीडियो में ना दो लड़कियां आती हैं लड़ती हैं भयंकर अच्छा जो उसकी वीडियो में भी है एक का नाम है सोनिया अरोड़ा एक का नाम है सोनिका अच्छा तो वैसे कुत्तों की तरह लड़ती हैं दोनों आपस में तो ये वही है मेरे लिए और फिर सीरियल बन जाता है सोनिका हाँ तो मैंने कहा कि मेरे पीछे लड़ती हैं लड़कियां जैसे सोनिया और सोनिका पर ये ना है सीरियल सोनिका क्यों क्योंकि उनकी सोनी के सीरियल तो इसे पढ़ के कर ले लो सोनी के सीरियल तो तमीज वाले होते हैं ये अब वो करती हैं गाली गलौज तो मैंने कहा ये ना है सीरियल सोनिका अच्छा 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 फिर रिपीट हो गया सावन दोषी का सोनी का फिर वो आ जाता है फिर दूसरे वर्ष में आते हैं इसमें दूसरा वर्ष है चाटो बढ़िया पर तलवे ना ये देखो दूसरा वर्ष है हाँ मैं लिरिक्स पता है चाटो बढ़िया पर तलवे नहीं चाटो बढ़िया अच्छा पर तलवे मत चाटो अच्छा चाटो बढ़िया पर तलवे नहीं आगे क्या है चाटो उन्हें पर हमें नहीं चाटो उन्हें पर हमें नहीं तो चाटो में इसमें अलग अलग मतलब आ रहे हैं शुरू के चाटो का मतलब अलग था दूसरे का अलग है तीसरे का दूसरे वाले के जैसा है चाटो उन्हें पर हमें नहीं बांटो खूब पर अपने नहीं बांटो खूब मतलब खूब बांटो अच्छी चीजें बांटो पर अपनों को मत बांटो तो वर्ड प्ले किया बेसिकली नहीं बेटे हमसे बेटे कोई लफड़े हमसे कर तू लफड़े नहीं ठीक है शक्ल नहीं पसंद तो बेटे लगा तू अकल हेट करते रहोगे तो होंगे कब सफल इसका उसका चेप की करते हो नकल अशोक के जैसे वॉर के बाद तुम भी जाओ बदल अच्छा। अशोक का पता ही होगा कि उसने कलिंग में कलिंग की फाइट हुई मार बिल्कुल तमाशा कर दिया था उसके बाद उसने बुद्धिज्म अपना लिया था उसने भी वॉर छोड़ दी थी तो अशोक के जैसे वॉर मतलब ये बेसिकली मैं उनसे ये गाना कहना चाह रहा हूँ जो हमसे चिढ़ते हैं जिनसे मेरी लड़ाई है कि वापस
आप सबके साथ प्यार दोस्ती से रहो और जो अकड़ में उनके लिए हम जवाब भी दे रहे हैं। नबन जय चंद क्या ना क्या लाइन है, जय पृथ्वीराज जय हाँ नहीं अलादुल क्या लाइन थी, इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी कि अशोक ने जैसे अशोक के जैसे वॉर के बाद तुम भी जाओ बदल, जय पृथ्वीराज जय अलाउद्दल, ये हमारे बहुत बड़े राजपुताना योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दल, अलाउद्दल तो बहुत ही खतरनाक थे। अलाउद्दल का नाम नहीं सुना, अलाउद्दल ने तो अरबों को एंटर तक नहीं करने दिया था, बहुत भयंकर थे। तो जय पृथ्वीराज जय अलाउद्दल, सॉरी मैं अलाउद्दल गलत बोल रहा हूँ, अलाउद्दल वो थे सेनापति थे राजा के जिसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अच्छा हाँ, उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले थे पर बचा दिया था फिर अलाउद्दल, अलाउद्दल दोनों भाई थे, दो भाई बहुत ही भयंकर थे। अच्छा। भयंकर योद्धा थे। नबन जय चंद मुझे चाहिए नहीं ट्रबल, जय चंद जो पृथ्वीराज को जयचंद तो अब एडजेक्टिव भी बन गया है। हाँ, हालांकि वो इतना नहीं था, उसने ऐसा कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था, बट वो बना दिया लोगों ने। नबन जयचंद मुझे चाहिए नहीं ट्रबल, देव भूमि उत्तराखंड वरदान का है फल, फीलिंग प्राउड हूं पहाड़ी बॉडी और बोली में बल, हमारी बॉडी में भी बल है और जवान में भी बल है। क्यों तू हेट करे जो बनाते रील, तू भी तो चाहता है तेरे गानों में बने रील। जितने भी लोग मैंने देखे आर्टिस्ट वो करते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है कुछ लोग क्रिंज कर रहे हैं वो तो बेकार है ही, लेकिन कुछ स्पेशली रैप कम्युनिटी में लोग करते हैं कि रील बना रहे हैं तो ऐसा है, और खुद चाहते हैं कि उनके गानों में रील बने, उनके रील वायरल हो, तो क्यों तुम हेट करते हो कोई रील बनाता है, क्योंकि तुम खुद चाहते हो। आधी ताकत ले लूं बाली जैसा फील, समझाई लाइन, आधी ताकत ले लूं बाली जैसा फील, पहाड़ों का राजा सोच गहरी टीरी झील, पहाड़ों का राजा टीरी से तेरी झील की जैसे गहरी, ये बातें करे बार्स की पर बार में इनके बात नहीं, जो दिल पे लगे बात ना उन बार्स में कोई बात नहीं। क्योंकि कई लोग आजकल कृष्णा को देखे बहुत टेक्निकल करने लगे, ये वर्ड डालने लगे, वो करने लगे, ऐसे रेफरेंस डालने लगे उस दुनिया के जो आपको पता ही नहीं है, जबरदस्ती जबरदस्ती का है, उससे कुछ फायदा नहीं है। तो मैंने कहा कि जब तक मुझे तुम्हारी लिरिक्स फील दिया नहीं लगती है, जो दिल पे लगे बात ना, मेन तो वही है, लोग कोई बात नहीं, लोग वही तो बोलते हैं, मैं कई लोगों को बोलता हूं मेरा कृष्णा पसंद नहीं है, तो लोग वैसे बोलते हैं अरे तेरे को कृष्णा पसंद, मेरे को नहीं, मेरे को भाई पोएट्री, मेरे को वो देखने के लिए थोड़े है, मैं तो पोएट्री के लिए अंजुम है, तला अंजुम है ना, यहां लगता है। हां क्यों लगता है, बहुत ज्यादा हाँ लिखा ही है ना, मेन तो ये थोड़ी ना कि तुम कितने सब भी अच्छा लिखता है, कृष्णा अपने हिसाब से ही लिखता है, कनेक्टिंग लिखता है, लेकिन उसको देख के जो लोग करने लगे आजकल के बच्चे स्पेशली न्यू जनरेशन किड्स, वो टेक ऐसे से वर्ड लाएंगे कहीं के बायोलॉजी की किताब में घुसा देंगे, किसी गेम में घुसा देंगे, जबरदस्ती के, और कुछ मीनिंग नहीं बन रहा उसका। रोहन करियप्पा भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। हाँ, एक्चुअली उसी ने कृष्णा को पॉपुलर किया मेरे साथ। हाँ। उसी ने इज्जत दिलाई कृष्णा को, पॉपुलर नहीं बोलूंगा, इज्जत दिलाई, वरना लोग कृष्णा को पैर पकड़ने चाहिए रोहन करियप्पा, मुझे ऐसा लगता है। और पहाड़ों ये बातें करे बार्स की, बार में कोई बात नहीं, दिल पे लगे बात ना, बार में कोई बात नहीं, चापलूसों से नफरत रखता बात नहीं, चिढ़ते मुझसे तो मिलाया कर हाथ नहीं, ये मैंने बहुत सख्तली बोला, लोग आते हैं आपके से चिढ़ते हैं लेकिन सामने हाय हाय करते हैं, तो बोलता भाई अगर आप चिढ़ते हो तो आप हाथ भी मत मिला, हाथ मैं बढ़ाना चाहता दोस्त, नहीं सॉरी क्या कुछ, पैदल पैदल तुम नफरत में चलते जा रहे। अब ये पूरे मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ मैं इसको ना, अभी मैं विजुअली इमेजिन कर सकते हो मीनिंग को, पैदल पैदल तुम नफरत में चलते जा रहे, गाड़ी प्रेम की चला के हम भी पीछे आ रहे, मतलब हम आप नफरत में लेकिन हम प्रेम की अपनी गाड़ी को लेके आए हैं कि भाई जी मान जाओ दोस्ती है, गाड़ी प्रेम की चला के हम भी पीछे आ रहे, ईगो पे अपनी हम ब्रेक लगा रहे, गेट खुला दोस्ती का क्या तुम आना चाह रहे। थैंक यू, ये तो गाना बढ़िया है, ए बॉय हमारे हर फ्रेम में बिल्ली आती, आजा आजा मछली खिलाऊंगा तेरे को, आजा खैर मैं शाकाहारी हूं, सूरज दा शाकाहारी आया ना आज, भी आज दी मरवाओगे, चलो ठीक है, अच्छा रहा ये सब खत्म कर, ये गाना ऐसा है, ये गाना बहुत सिंपल सुनने वाले को इसमें कुछ गहराई नहीं दिखेगी, उसे मजा आएगा सुन के, वो कहेगा सिंपल लिरिक्स है, लेकिन जो समझने पे आएगा उसमें बहुत कुछ है। हम भी मैकबुक है, हम भी गरीब नहीं है, हमारा नहीं है बोले सूरज भाई, जापान से एक मैकबुक मंगवा दे रहा है, उदय से कॉन्टेक्ट करो, उदय लाएगा उदय। हाँ गाना अच्छा था, और खत्म करना चाहिए अभी हमें। हाँ यार खत्म करना चाहिए, काफी टाइम हो गया ना। हाँ आपको मेरे से कुछ पूछना है किसी बारे में रिगार्डिंग, किस बारे में मतलब, कैसे मतलब पूछना होगा, आप नहीं पूछना है तो खत्म करते नहीं सही है, अच्छा है यार। हाँ। मुझे मतलब बढ़िया मजा भी आया और करते रहो ऐसे, किसी ने मैं सोच रहा हूँ किसी ना किसी, क्योंकि हमारे टॉपिक इतने डाइवर्स है, कभी दोबारा तो आएंगे, थोड़ा थोड़ा कवर किए, कुछ ना कुछ नए टॉपिक पे, आधे टॉपिक तो मैंने लिखे हुए तो छूट गए, उनको नेक्स्ट उसमें कवर करता हूँ। देखो तुम्हारा पेज बुक हो रखा है, आधे 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 ही कटे इनमें से, आधे तो हुए नहीं, थाईलैंड मसाज ही कट गया देखो।
अब लोगों को वो दे दो वो कि क्या रह गए, किस बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो इस बारे में अब आगे भी करते हैं आपसे बात, आइएगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और मजा आया, ठीक है भाईजी, बोला बातचीत में, भाईजी बोला बातचीत का ये आपको, चलो ठीक है, मिलते हैं, ओए बाप रे, ओके थैंक यू।